हेलो बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 का प्रश्न है। यह दो बेलनों ए और बी के आधारों के अर्धव्यास 3:2 के अनुपात में हैं और उनकी ऊंचाइयां n:1 के अनुपात में हैं। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो तो n का मान होगा। तो यहाँ पर दो बेलन दिए हुए हैं, हमारे पास दो बेलन हैं, इसकी त्रिज्या आधार की त्रिज्या R1, ऊंचाई H1, इसकी आधार की त्रिज्या R2, ऊंचाई H2 है। तो यहाँ दिया हुआ है अर्धव्यास यानी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है R1/R2 बराबर 3:3 या 3:2। ऊंचाइयों का अनुपात H1/H2 दिया हुआ है n/1। बेलन ए का आयतन V1 बराबर बेलन बी के आयतन का 3 गुना है, 3×B2, इसका आयतन B1, इसका आयतन B2, तो B1 = 3B2। और बेलन का आयतन क्या होता है, πR1² × H1, 3×πR2² × H2। सो पाई से पाई कट जाएगा, R1/R2² बराबर हो जाएगा H2/H1 3 गुना। अब यहाँ से R1/R2 रखेंगे 3/2² 3×H1 H2/H1 है मेरे पास 1/N, तो मैं यहाँ 1/N रख दूँगा। ये मेरा हो गया 9/4 3/N, 3 × 9 तो 3/4 बराबर 1/N, और उल्टा करेंगे तो N बराबर हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पर n का मान आया 4/3, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सेम सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।